Ready, dog? Cut. Okay. Okay. Follow me. ठीक है रोलिंग साइलेंस प्लीज. आप पहले पहले सबसे पहले जानना चाहूंगा निहारिका आपसे, आप इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने और आज का जो सीन पिक्चराइज कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है. मुझे कैसे मिली ये फिल्म, वंदना जी और माशूक सर के साथ मैंने एक ऑडिशन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कॉमेडी स्क्रिप्ट है और मुझे बहुत शौक था कि मैं एक दिन एक कॉमेडी फिल्म करूँ, लेकिन मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं कृष्णा अभिषेक के साथ कॉमेडी करूंगी. नो आइडिया. और मेरे भाग्य अच्छे हैं कि मुझे ऐसे दिग्गज कलाकार के साथ कॉमेडी करने को मिला. सुपर्ब. आई एम सो हैप्पी. ओके कृष्णा. मेरा भी बहुत दिल था मैं कॉमेडी फिल्म करूं और मेरा भी सपना पूरा हो गया. कृष्णा जो हम बात करते हैं इंडस्ट्री के कंपटीशन की, सलमान और शाहरुख को हम आमने सामने देखते हैं जी, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और आप शुरुआत कर रहे हैं, कपिल ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आपने कहा कि आपका सपना था एक कॉमेडी फिल्म करने का जो पूरा हो गया, कपिल का पूरा हो चुका है, अब आप करने जा रहे हैं जी. तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होंगे व्हाट कपिल हैव डन विद इन हिज लास्ट फिल्म डायरेक्टेड मस्तान एंड नाउ कमिंग विद दिस कंपैरिजन. तो कहीं कंपैरिजन भी होगा. कंपैरिजन तो शुरू से उतार है हम लोगों का जब से हम लोग कॉमेडी सर्कस करते थे और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी हेल्दी फाइट है. मुझे नहीं पता था कि जब वो अपना शो लेकर आएगा कि तो उसी का शो मैं ले लूँगा, तो वहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी बातें खट्टी हो गई. मैं ये नहीं कहूँगा कि बातें खट्टी नहीं हैं और हम लोग दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में रह जाता है. लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी. कलर्स मेरे पास आए थे कि उसने शो छोड़ दिया, उसको करना नहीं है, और हम ऑलरेडी कॉमेडी नाइट्स बचाओ चला रहे थे जो कि बहुत अच्छा चल रहा था. तो कंपैरिजन होता है और अच्छी बात है और हेल्दी कंपटीशन है. मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल अपना शो लेकर आ रहा है. अभी उसका अभी अगले हफ्ते ही शो लॉन्च है 23 तारीख को और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि अब उसको भी बड़ी टेंशन रहेगी क्योंकि कॉमेडी नाइट्स की भी हमारी अच्छी रेटिंग्स आती हैं और लोग देखते भी हैं, और हमें भी बहुत टेंशन रहेगी कि उसका जो शो आ रहा है अभी वो क्या लेकर आता है. तो जब हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना तो मज़ा बहुत आता है. हम लोगों की मारामारी होती है स्क्रिप्ट्स की, हमारी मारामारी होती है अभी एक्टर्स की, तो मारामारी रही नहीं अभी से. प्रमोशंस के लिए तो सब लोग आते हैं, तो हमें अच्छा कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट की मारामारी है. और अच्छी बात है कि टेलीविज़न से जितने लोग हैं वो सब फिल्मों में जा रहे हैं, सब फिल्में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी फिल्म्स कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग. उसने भी फिल्म की, मैंने बोल बच्चन एंटरटेनमेंट ये सारी फिल्में की थी, लेकिन फुल फ्लेज्ड जो एक प्रॉपर फिल्म है वो ये फिल्म मेरी अब रिलीज़ होगी, फुल टू जुगाड़ू. और बहुत ही अच्छी टीम मिली है, इतनी खूबसूरत डिम्पल वाली हीरोइन मिली है, और हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके भी डिम्पल पड़ते हैं, तो खूबसूरत प्रोड्यूसर भी मिले हैं अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑन अ सीरियस नोट एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है. जब कोंडके साहब आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि ये फिल्म बहुत अच्छे से बनी है और कैरेक्टर बहुत सूट करता है. एकदम छपरी कैरेक्टर है, स्ट्रीट स्मार्ट बॉम्बे का लड़का है, एकदम जो एकदम जुगाड़ू है, वो बहुत सारे जुगाड़ कर लेता है. मतलब अगर उसके जेब में एक रुपया नहीं है लेकिन उसको बोलो कि 10,000 रुपये लेकर आ, तो एक घंटे में कहीं ना कहीं से ले आएगा. तो ऐसे जुगाड़ करते करते ना ऐसी सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं कि वहाँ से फिर जुगाड़ नहीं हो पाता, फिर क्या क्या होता है इन लोगों के साथ. बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है और उसके साथ साथ हम लोग चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं कुछ जब सीन्स करते हैं, तो मज़ा बहुत आ रहा है. ओके अभिषेक, आज के सीन के बारे में जानना चाहूँगा. आज का जो सीन है कि ये लड़के लोग सब, हम लोग जितने दोस्त लोग हैं सब लोग पार्टी कर रहे थे रात को, तो ये लोग कोई लड़की वड़की ले आते हैं घर पे, जितने दोस्त लोग हैं, तो सब ऊपर नीचे हो जाता है. वो लड़की अपनी कोई चीज़ भूल जाती है, तो हम लोग उसकी कुछ अंदर की चीज़ें हैं, समझ रहे होंगे आप, तो वो हम खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और मैं उनको बोलता हूँ जल्दी फेंको, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है मुझे मिलने के लिए. और ये सब हम लोग ठीक ठाक कर रहे होते हैं और इतने में निहारिका जो काव्या इनका कैरेक्टर का नाम है, काव्या आ जाती है, और फिर अब मैं घबराया हूँ कि क्या करूं, तो गलत कर हाँ रहे कुछ तो. गलत कर रहा हूँ मैं. बोलती तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, मैं बोल रहा हूँ हम लोग सब सो रहे हैं. अच्छा देखो भाभी आई है, भाभी के लिए चाय लाओ, चखना लाओ. तो बोलती चखना, बोले हाँ नहीं नहीं मेरा मतलब चाय ले. तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला माहौल है और ये बहुत गुस्से में आई हैं मुझसे बात करने के लिए. बस यही सीन है आज का. ओके एक अलग फिल्म आप पहले ही कर रही हैं निहारिका वेरियर सावित्री, हाँ जी, और अब एक अलग तरह का जोन, और जहाँ कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गज कॉमेडी के दिग्गज, बिल्कुल दिग्गज, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना अलग होगा ये किरदार? आज मेरा पहला दिन है तो ये पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी.
आज मैं गुस्से से कृष्णा अभिषेक के सामने मैंने अपनी एक्टिंग का एक प्रदर्शन किया है. तो ये मैं दिन कभी नहीं भूलूंगी. इट इज़ माई ऑनर एंड प्रिविलेज टू वर्क विद हिम. नो, इट्स ऑल सबका ऑनर है एक दूसरे के साथ काम करने का. सब कितना दिग्गज विग्गज पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारी अंदर से बहुत हालत ख़राब रहती है जब भी हम स्टेज पे जाते हैं और जब भी कोई फिल्म करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ करते हैं. तो यही है कि सब मिलजुल के अच्छा काम करें और सब एक्टर सब एक दूसरे से सीखते हैं. हाँ, हम भी सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सब. कॉमेडी में क्या होता है कि एक दूसरे से बहुत खेलने को मिलता है. यू ऑलवेज गेट अ चांस टू डू ग्रेट डायलॉग एंड ग्रेट रिएक्शंस. तो कॉमेडी में कॉमेडी के टाइम पे एक्टिंग सीखने को मिलती है. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी बोल देते हैं और फिर हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो भड़क जाते हैं और गालियां देते हैं और हमको कंट्रोल में करते हैं. कुंड के साहब. ओके. अभी कृष्णा आपसे एक बात और जानना चाहूँगा. फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस, लेकिन आज की तारीख में जब इतने कॉर्पोरेट इन्वॉल्व हो गए हैं, जब मैं रिलीज की बात करता हूँ, हाँ, कितनी स्क्रीन में फिल्म रिलीज होगी? आई नो ये सवाल आपके लिए होना नहीं चाहिए, प्रोड्यूसर से होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा और कब तक रिलीज करें. सबसे पहली बात कि इनको सामने यशराज की फिल्म नहीं मिलनी चाहिए. नहीं, उसकी कहाँ यशराज की कहाँ है. लेकिन फिर भी यशराज की फिल्म ना हो सामने, ये कोई प्रॉपर डेट देखें. और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा, क्योंकि फिल्म लोग बना तो जाते हैं लेकिन उसको ढंग से रिलीज़ करना और प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक ये और इमीडिएट होना, ये अभी 2-3 महीने के अंदर हम फिल्म कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेटे वेटे सबकी, ये भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूँ, इनकी डेटों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये डेट नहीं देती. तो मैं अपने पे क्यों इल्ज़ाम लूँ. तो हम लोग जल्दी फिल्म कंप्लीट करके ना एक प्रॉपर डेट जो है, प्रोड्यूसर्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट अगर उठाई है तो फिर वो लोग प्रॉपर प्लान भी करेंगे चीज़ों को. तो उन प्रोड्यूसर्स पे भरोसा है, वो लोग प्रॉपर रिलीज़ करेंगे. और जहाँ तक प्रमोशन की बात है, कॉमेडी नाइट्स है और बचाव भी है, उस पर मैं अभी शुरू कर दूँगा. तो मैं 3-4 महीना वैसे ही प्रमोशन दे दूँगा और फिर बाद में सभी लोग प्रमोशन करेंगे. ये अपने शोज पे करेंगे, हम अपने शोज पे करेंगे. ओके, द सेकंड लास्ट वन क्वेश्चन है ना, बिफोर आई आस्क यू द लास्ट वन, जी, टू कृष्णा जी. जैसे आपने कृष्णा भी जिक्र किया कि कपिल गए और आप शो का हिस्सा बने क्योंकि कलर्स आपके पास गए, जी. अब आप क्योंकि मेकर्स आपके पास आए, आपको अच्छा लगा, फिल्म का हिस्सा बन गया, बिल्कुल सोलो हीरो फिल्म करने जा रहे जी जी, कहीं बातें फिर खट्टी ना हो जाए, अरे यार अभिषेक तूने फिल्म भी कर ली. नहीं, एक्चुअली खट्टी ऐसा तो नहीं होगा, वो भी इतनी भी राइवलरी नहीं है हम लोगों के बीच में. हम लोग एक दूसरे काम से बहुत खुश होते हैं. और आई थिंक कपिल ने तो फिल्म बाद में की थी, मैंने बोल बच्चन, हाँ ये भले पहली है लेकिन उससे पहले मैं कर चुका था. तो खट्टी नहीं होगी, अच्छी बात है. मैं उसको बुलाऊंगा जब इसका प्रीमियर होगा, तो वो आएगा ज़रूर फिल्म देखने के लिए. पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आएगा. मैं कोशिश तो करूँगा, आना ज़रूर. लेकिन अच्छा, उसने मुझे अपने शो पर बुलाया. मैं आप लोगों को बताऊँ, उसका जो नया शो आ रहा है उसमें वो फैमिलीज़ के साथ शो कर रहा है. वो जितने एक्टर्स हैं उन सबकी फैमिली को भी बुला रहा है शो पे. तो मुझे और गोविंदा जी को भी इनवाइट किया है. तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं कि उसके शो पे नहीं जाऊंगा मैं. तो अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि उसका शो भी चले और मेरा शो भी ज़्यादा चले. ओके, द लास्ट वन, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हेन इट गेट रिलीज़. क्योंकि आपको, जैसे आप हमारे शोज़ देखते हैं और एक घंटा हंसते हैं, घर पे इंजॉय करते हैं हर सैटरडे और संडे को, ऐसे ही थिएटर में आइए और 2 घंटा दिमाग घर पे रख के आइए, पॉपकॉर्न खाइए और चखना खाइए और 2 घंटा हंसिए और इंजॉय करिए पिक्चर को. बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट है, मसालेदार है और बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको ये फिल्म देखकर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये भी अच्छा सवाल है. पता है क्या है चक्कर, कि वो कहते हैं ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील. अभी जो एक चीज़ चल रही है, तो मैं, कौन एक्टर नहीं चाहेगा कि वो अलग अलग तरीके के रोल करे, और मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा सिर्फ कॉमेडी ही फिल्म्स करता रहूं. बट बोलते हैं ना कि आप एक जब दौर चलता है उसको अचानक से आप एक ऐसा टर्न ले लोगे और मैं कोई सीरियस रोल में आ जाऊँगा तो लोग मुझे इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. अच्छा है कि एज मेरे साइड पर है. अभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत अभी उम्र हो गई है और बहुत जल्दी जल्दी फिल्में करके ख़त्म कर लो. तो इसलिए आराम से धीरे धीरे, जैसे और फिल्में आ जाएं, तो एक्सेप्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा. तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ.